अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल अलिया ब्लॉगर में। और अभी सदर बाजार के बाद जहां पर से मैंने ब्लॉग छोड़ा था, फिर वहीं से स्टार्ट कर रही हूं। तो यहां पर से मैं जा रही हूं डिप्टीगंज, जो बर्तनों का होलसेलर मंडी है, जहां आपको बहुत कम रेट में सामान मिल जाते हैं, तो लेकिन आपको वहां खोज करके अच्छे से लेना पड़ेगा। तो ये मंडी आपका सदर बाजार जो कुतुब रोड के बाद से ख़त्म होती है, वहाँ के बाद जो ये सदर बाजार ख़त्म होता है और उसके बाद ये डिप्टीगंज का इलाका शुरू होता है, जो आगे फुट बाजार, बड़ी बाजार मिलती है फुट, उसके बाद अंदर जाकर के दाएं मुड़ जाने के बाद डिप्टीगंज आती है। तो आपको मैं कभी इसका ब्लॉग फिर से दोबारा बना के दिखाऊंगी, इसमें कैसे कैसे जाने का है, अगर मुझे मौका मिला तो इंशाल्लाह। तो ये देखिए डिप्टीगंज हम आ चुके हैं, ये बड़ी है फुट, बड़ी बाजार फुट ऐसे कुछ बोला जाता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा ठीक से। और इसके जस्ट राइट साइड से अंदर डिप्टीगंज आती है, तो यहाँ से भी आपको पूरा बर्तनों का मंडी शुरू हो जाता है। अभी मार्केट 11 बज गया है, लेकिन अभी तक मंडी खुली नहीं है, मार्केट खुली नहीं है, बर्तनों का एक भंडार आपको यहाँ पर मिल जाता है। और आप देख रहे हैं कि अभी सारी दुकान क्लोज है, स्टार्ट होना क्लोज थी, लेकिन अभी स्टार्ट हो रही है ओपन होने का। और तो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो यहाँ पर से देखिए जस्ट मंदिर के सामने एक राइट मुड़ती है, इधर मुड़ गए और डिप्टीगंज जैसे शुरू हो गई है। देखिए जैसे आप मुड़िएगा, अगर दोनों साइड में बर्तनों की अंबार दुकान नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि अंबार, तो यहाँ हर तरह का बर्तन, आप जितना भी बर्तन अमेजोन या फ्लिपकार्ट में जो भी आप मॉडल ले जाएंगे बर्तन खोजते, ये सारी इसी मंडी से जाकर के आपको वहाँ पर बिकते हैं। तो आप अगर कभी दिल्ली आए तो डिप्टीगंज जरूर आए, यहाँ पर आकर के अपने ले आना ले, लेकिन आपको हर तरह का ही। तो यहाँ पर मैं सिजलिंग का बर्तन लेने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं एक बार आ चुकी थी 2 साल पहले, तो ये सब इलाका मैं घूम चुकी थी, इसलिए आपको ले आ रही थी। देखिए अभी क्लोज है, तो यहाँ पर जो जो मैं बर्तन देखी थी पहले तो बहुत कम रेट बता रहे थे, लेकिन अभी जो पूछा तो ये भैया मुझे ये जो है दिखा रहे इसका दाम कुछ ज्यादा बता रहे थे, तो मैंने नहीं परचेज किया, लेकिन नेक्स्ट बार जाऊंगी तो इंशाल्लाह लूंगी मैं कुछ बर्तन। यहाँ 4000, 5000, 2900 और जो अल्मोनियम के बर्तन का जो ठेका वाले बर्तन थे ना, उनका टोटल हम 3 सेट का 900 या कुछ नहीं 1900 बोले थे वो। तो यहाँ पर से देखिए आप, थोड़ा सा हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, फोटो दिखा रहे हैं, क्लिक यहाँ पर हर तरह के हर रेंज के बर्तन मिल जाती है। आप अपनी बेटियों की शादी देख रही किस तरह मॉडर्न डिजाइन के बर्तन भी हैं, जो आपकी किचन की शान और शौकत बढ़ाएंगे। यहाँ पर सारा होलसेलर रेट मिलता है, आप यहाँ से ला के बर्तन आप लेकर के अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सस्ते में मिल जाती है। हर प्लेट का रेंज भी कम है, तो 10, 20, 25 इस तरह। तो आप देखिए हर एक तरह का बर्तन यहाँ मिलते हुए मिल जाएंगे, आपको जो चाहिए वो आइटम यहाँ पर मिल जाएगा। और देखिए कप भी यहाँ पर 30, 20 और 50 का 6 पीस मिलते हैं, जो यहाँ हम लोग की तरफ मिलता है। तो चलिए अभी हम चलते हैं डिप्टीगंज से, ही आपको टेम्पो मिल जाएगी, ई रिक्शा मिल जाती है, और वहाँ से आराम से क्रॉकरी मार्केट जा सकते हैं। यानी आप शीशे के बर्तन के अगर शौकीन रखते हैं तो क्रॉकरी मार्केट यानी आज़ाद मार्केट जाइए। तो यहाँ पर से मैं आज़ाद मार्केट के लिए चल दी हूँ, और मैं ज़्यादा सूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि जैसे अपना मोबाइल बचा के चलिएगा, लोग हाथ से छीन लेंगे। तो इसी डर से मैं थोड़ा कम, क्योंकि मैं अकेली थी और कोई मेरे पास सपोर्ट नहीं था कि कोई मेरे साथ को मेरा वीडियो बना दे या कोई ऐसा, तो चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, और अगर कुछ ऐसा रहा तो मैं और आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं क्या कहता है आज़ाद मार्केट, और यहीं पर ई रिक्शा रोक देती है। और ये जस्ट देख रहे हैं ना ब्रॉकेट जो बैरिंग का, इसके उस साइड जाना है मुझे आज़ाद मार्केट में, और आगे चले जाइएगा वो पीपल गाज पेड़ की तरफ, तो उधर आप मिल जाएगा लाल बत्ती कहलाती है। तो इधर अंदर हम इन कर गए हैं, ये है क्रॉकरी मार्केट। यहाँ पर भी मार्केट अभी तक नहीं खुली थी, कुछ कुछ शॉप ओपन हो चुके थे, लेकिन कुछ कुछ जो भी ओपन किए थे उसका रेट कुछ ज़्यादा बता रहे थे, लेकिन आप बार्गेनिंग करके लीजिएगा ना तो रेट बहुत कम पड़ जाता है बहुत कुछ। तो मैंने यहाँ पर से कुछ लिया है, तो मैं आपको अपने शॉपिंग मॉल में जरूर एक वीडियो देख बनाऊंगी इसका, स्पेशली मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है और क्या क्या परचेज किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपने चैनल सेकंड चैनल के लिए कुछ प्लेटर्स लेना था, तो वो सब चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आई थी, लेकिन मुझे अफसोस यहाँ पर नहीं मिला। लेकिन डिप्टीगंज से कुछ प्लेटर मुझे मिल गए थे, वुडेंस के और कुछ सिजलिंग प्लेट मिल गए थे, वो सारी चीज़। और देखिए यहाँ पर वो सारे आइटम मिल रहे थे जो आप देखते हैं कि जैसे बाथरूम साफ करने वाले यहाँ पर हैं, केक का मॉल बनाने के लिए, मैंने हर एक आइटम आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से ही मैंने परचेज किया, और रेट भी मुझे
अच्छे लगे, कुछ ज़्यादा रेट नहीं था, क्योंकि मैंने कुछ परचेजिंग कोलकाता से भी किया था, अमेजोन से भी देखती हूँ, तो मैं देख लेती हूँ कि जब मुझे कहीं जाना होता तो मैं बिल्कुल ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मार्केट जाके कि अपने से खुद से मैं अपने हाथ से पसंद करके या अपने आँखों से देख लूँ। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जितनी भी मंडी मैं दिखा रही हूँ ये सारे होलसेलर है, एकदम बिल्कुल रेट बहुत कम है, मैंने बहुत कम रेटों में परचेज किया सामान। तो मैं आपको वो सारी चीज़ दिखाऊंगी कि यहाँ पर से मैंने क्या क्या लिया। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ आपसे फिर मिलूंगी, और आप लोग अपना प्यार मेरे साथ इसी तरह बनाए रखिए, और आप लोग की दुआ से ही मैं आगे